हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम आपको यूपी डीएलएड एडमिशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने वाले हैं। जैसे कि आपके बहुत सारे कमेंट्स थे डायरेक्ट एडमिशन को लेकर, तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक यही है। हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपका डायरेक्ट एडमिशन कब से होगा, कैसे होगा, क्यों हो रही है देरी, ठीक है, और इस साल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको यूपी डीएलएड से रिलेटेड, डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहे और आप उसके बारे में जान सकें, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या है पूरी प्रोसेस। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि इस बार जो है वो डायरेक्ट एडमिशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा कि 88,000 प्लस जो सीटें हैं वो आपकी खाली हैं। तो वैसे तो खाली होंगी नहीं, जैसे आपको पता है कि 2,00,000 प्लस आपकी वैकेंसी आई थी यूपी डीएलएड 2019 में, ठीक है, जिसमें से अभी आपका 88 प्लस जो है वो सीटें अभी फुल नहीं हुई है, अभी ये खाली है। तो इसे तो भरना पड़ेगा ना, इसके लिए डायरेक्ट एडमिशन तो कंपलसरी है, ठीक है। तो ये तो आप ये मान के चलो कि आपका डायरेक्ट एडमिशन पक्का होने वाला है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। क्योंकि आप बहुत बोल रहे थे, आप चिंता कर रहे हो कि पता नहीं डायरेक्ट एडमिशन होगा कि नहीं होगा, हम क्या करें। तो गाइज फ्रेंड्स, आपका जो है डायरेक्ट एडमिशन होगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात नोटिस की, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही आपका जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी और क्या, कैसे, कब, क्या करना है, सारी प्रोसेस आपको बताऊंगी, ठीक है। तो पहले तो ये कि आप ये चिंता छोड़ दो कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, ज़रूर होगा, करना ही पड़ेगा, इतनी सारी सीटें तो खाली जाएंगी नहीं। और कब तक होगा, तो जैसे कि अभी आपको पता होगा कि फर्स्ट फेज का जो है सेकेंड फेज का काउंसलिंग समाप्त हुआ, प्लस एडमिशन भी समाप्त हो गया, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो अब अपना जाकर स्टडी भी कर रहे हैं। तो अब आप ये सोच रहे हो कि कब तक आ जाएगा नोटिफिकेशन जो है वो, कब तक आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन आपका जो है, अब जो है जो कॉलेज खाली है, ठीक है, उसमें आप सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरिट बेस पर ही आपका डायरेक्ट एडमिशन किया जाएगा। तो अब आपकी जो है वही लिस्ट तैयार की जा रही होगी। लिस्ट इस बेस पर तैयार की जाएगी, जैसे जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है, मतलब कि यूपी डीएलएड में जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है बट काउंसलिंग किसी वजह से ना कराया हो, या फिर काउंसलिंग कराने के बाद कॉलेज अलॉट भी हो गया बट एडमिशन ना लिया हो, ठीक है, उनको भी डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। तो उनको अलग छाट कर, ठीक है, उसके बाद से उनका मेरिट के बेस पर एक लिस्ट तैयार किया जा रहा है, ठीक है। और जैसे ही वो लिस्ट तैयार हो जाएगी आपकी, पब्लिश कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। मैं आपको बता दूंगी ऑफिशियल वेबसाइट। और जैसे आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिवेट होगा डायरेक्ट एडमिशन के लिए, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था यूपी डीएलएड पोर्टल से। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगी। और ये लिस्ट तैयार करी जा रही है और जल्द ही नोटिफिकेशन जारी की जाएगी 2-4 दिन में, आप चिंता मत करो, ठीक है। और ये तो डरो मत कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, ज़रूर होगा। तो अगर आपको कॉलेज मिल गया है बट आपने एडमिशन नहीं लिया है, तो आप भी डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हो। और जो रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, काउंसलिंग नहीं कराए हैं, या फिर जिनको कॉलेज पसंद ना आया हो, ठीक है, बट एडमिशन ना लिए हो, तो वो भी डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे आप सभी को यही बताना था, क्योंकि आप बहुत चिंता कर रहे हो क्या करें क्या ना करें। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी आपका डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बस मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको
डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक प्लस शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।